शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्री रमणा महर्षि की मुक्ति प्राप्ति करने की शिक्षा से प्रेरित, मन से जो भ्रम उत्पन्न हुआ है उसे मन के द्वारा ही नष्ट करना चाहिए। आपका एकमात्र काम है कि आप जैसे हो ऐसे बने रहो, बिना किसी प्रयत्न करे। आपको कुछ भी बनना या करना नहीं है, आप बस शाश्वत अस्तित्व बने रहे। आई एम दैट आई एम, यह बिब्लिकल महावाक्य सत्य का सार संक्षेप में व्यक्त करता है। आपका शाश्वत अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व से कैसे अलग हो सकता है? अगर ईश्वर हर एक जगह है तो वह आपसे कैसे अलग हो सकता है? आपका शाश्वत आई एम ईश्वर के शाश्वत आई एम से जरा भी दूर नहीं है। आपका होना और ईश्वर का होना दो अलग अलग होना नहीं है, इसलिए मुझे आई एम दैट आई एम बिब्लिकल महावाक्य बड़ा पसंद है। सत्य को पाने की सबसे सरल और संपूर्ण विधि यह है कि बी स्टिल, स्थिर शांत बने रहो। कृष्णा जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं वह बने रहो। स्थित प्रज्ञ रहना मतलब मन में उभरते किसी भी नाम और रूप से प्रभावित हुए बिना बस शाश्वत अस्तित्व बने रहना। बी स्टिल, और यह धारणा छोड़ दीजिए कि मैं यह हूं, मैं वह हूं। हमें बस इतना करना है कि शरीर के साथ स्वयं की पहचान करना छोड़ देना है। रूप, रेखा और सीमाएं आपका वर्णन नहीं कर सकती। अपने आप को रूप, रेखा और सीमाओं के पार देखें। और तब हम स्वयं के उस शाश्वत स्वरूप को जान सकेंगे जो हम सदैव से हैं और सदैव रहेंगे।
उस मन या उस विचार के साथ मत जुड़ जो एक आकर्षक स्त्री या पुरुष की तरह उभरता है और आपको उसके प्रेम में डुबा देता है। अपने शाश्वत अस्तित्व के साथ एक रूप रहकर ऐसे सम्मोहन को अनदेखा करें। बस ऐसे ही अविरत तरीके से मन के साथ जुड़ते रहने से आपका जीवन नष्ट कर देंगे। इसी तरह घमंड और लोभ भी उत्पन्न होते रहेंगे। मन बड़ा चंचल और चालाक है, वह आपको किसी न किसी तरह अपनी कहानियों में सहलाकर आपके शाश्वत अस्तित्व से आपको दूर ले जाने की चेष्टा करता रहेगा। मेरी चेतावनी पर ध्यान दे और बिना उसका जिक्र किए, उसका नाम लिए बस उससे दूर रहे। मन बड़ा चालबाज है, सभी ज्ञानी की चैतन्य का जागरूकता का अंत उसी के मायावी आलिंगन से होता है। उस मन को आपका विधिपूर्वक वैरागी होना, एक साधक होना सहजता से स्वीकार्य नहीं है। वह धोखाधड़ी करेगा क्योंकि तुम्हारा अपने शाश्वत अस्तित्व में स्थित होना मतलब उसकी मौत होने के बराबर है। तो वह कुछ भी करके तुम्हें वहां से हटाने की कोशिश निरंतर करता रहेगा, पर तुम इस कोशिश को अनदेखा कर सकते हो। बस इसे अवलोकन करके देखें, उसकी चालबाजियों को देखें। इस देखने में बड़ा सामर्थ्य है। अगर तुम उसे देख सकते हो तो तुम उसे इग्नोर अनदेखा भी कर सकते हो। मन को इसी सहजता से देखने भर से उसकी सारी चालाकियां उजागर हो जाती हैं और वह अपनी धोखेदारी अपनी चंचलता को छोड़कर चैतन्य में समाविष्ट होकर शांत होकर चैतन्य में ही स्थित हो जाता है। मानो जैसे कि समंदर की एक बड़ी लहर बस वापिस समंदर में समा गई हो, तो बस ऐसे ही बी स्टिल। आई एम दैट